بسم الله الرحمن الرحيم. कैट रेट गेम इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एम ए। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान के इशारे पर सफदर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान और खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। इसने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी। इसके स्याह बाल इसके कंधों पर पड़े हुए थे और इमरान इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। इमरान के उठने की वजह से इसके बाकी साथी भी उठकर खड़े हो गए। शुक्रिया, मेरा नाम मार्गेन है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम अली इमरान MSc DSc ऑक्सन है और ये मेरे साथी हैं, तशरीफ़ रखें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। आपकी आमद के बारे में मुझे इत्तला मिल गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि आपसे एयरपोर्ट पर ही मुलाकात की जाए, लेकिन फिर मुझे इत्तला मिल गई कि आपके कमरे पहले से होटल शेरटन में बुक हैं, तो मैंने यहाँ मुलाकात का फ़ैसला कर लिया। इमरान साहब, मैं पहले अपने बारे में वजाहत कर दूँ, मेरा ताल्लुक ग्रेट लैंड के एक सिंडिकेट से है जिसे टास्ट सिंडिकेट कहा जाता है। वैसे मैं होटल स्टारवुड की जनरल मैनेजर हूँ। टास्ट सिंडिकेट ने एक अलहदा ग्रुप बनाया हुआ है जो एजेंसी के अंदाज में काम करता है। मैं इस ग्रुप में भी काम करती हूँ और इस ग्रुप की अमली तौर पर चीफ भी हूँ। डमी चीफ वैसे हेडक्वार्टर में बैठा रहता है। आपके बारे में हमारे पास इत्तलात मौजूद हैं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और आप दुनिया भर में इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट के तौर पर मशहूर हैं। हमारे ग्रुप को इत्तला मिली कि आपने एक आदमी जॉर्ज जो एजेंसियों के सिलसिले में ये मालूमात फरोख्त करता है से फ़ोन पर मेरा रिहायशी एड्रेस फ़ोन नंबर और मेरे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। मुझे जब ये इत्तला मिली तो मैं बेहद हैरान हुई क्योंकि मेरा या मेरे ग्रुप का आपसे या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं था। चुनाचा मैंने पाकिस्तान में अपने आदमियों से रابطہ कायम किया। वहाँ हमारे आदमियों ने आपको जब ट्रेस किया तो आप अपने साथियों समेत ग्रेट लैंड की फ़्लाइट पर सवार हो चुके थे। इस तरह हमें आपकी यहाँ आमद का इल्म हुआ और अब मैं यहाँ खुद इसलिए आई हूँ ताकि आपसे मिलकर ये बात क्लियर करूँ कि आप मेरे बारे में क्यों मालूमात हासिल कर रहे हैं और अब आपकी यहाँ आमद का क्या मकसद है, मार्गेन ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया क्योंकि उसने इस दौरान चेक कर लिया था कि मार्गेन हिप्नोटिज्म सिरे से जानती ही नहीं, क्योंकि हिप्नोटिज्म जानने वालों की आँखें मुसलसल मशकों की वजह से आम आँखों से बहरहाल मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर जाती हैं जिसे आम आदमी तो यकीनन नहीं पहचान सकता, लेकिन हिप्नोटिज्म से मुतालिक आदमी फौरन ऐसी आंखों को पहचान लेता है। आप क्या पीना पसंद करेंगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मार्गेन का सता हुआ चेहरा बेइख्तियार नरम पड़ गया। शायद इसका ख्याल था कि इमरान इस तकरीर के जवाब में इससे भी बड़ी तकरीर करेगा, लेकिन इमरान ने यह फिक्र कहकर इसके तने हुए आसाब को यकलक ढीला कर दिया था। लाइम जूस मंगवा लें क्योंकि मुझे मालूम है कि आप शराब नहीं पीते, मार्गेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने मेरे बारे में काफ़ी मालूम हासिल कर ली हैं, इमरान ने कहा। आपके बारे में मालूमात तो यहाँ ग्रेट लैंड में कदम कदम पर मिल जाती हैं। ग्रेट लैंड आपका ममदू है, आम एजेंटों से लेकर आला हुकाम तक, हत्ता कि मुझे मालूम हुआ है कि सेक्रेटरी दाखिला लॉर्ड ब्रेटन के आपके घराने से इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। इस तरह चीफ सेक्रेटरी साहब भी आपके गुण गाते हैं, मार्गेन ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा। वो शायद फितरी तौर पर बहुत ज़्यादा बोलने की आदी थी। ये इनकी मेहरबानी है मिस मार्गेन कि वो मेरे बारे में ऐसी राय रखते हैं, लेकिन आपने डिफेंस सेक्रेटरी साहब का नाम नहीं लिया, क्या इसकी कोई खास वजह है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मार्गेन ने कहा। इसीलिए मैं दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर उठा और इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली पर लाइम जूस के बड़े बड़े गिलास मौजूद थे। इसने एक एक गिलास सबके सामने रखा और ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। इसके बाहर जाने के बाद सफदर ने दरवाज़ा लॉक किया। चूँकि सफदर ने इमरान के इशारे पर रूम सर्विस को फ़ोन करके लाइम जूस का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए लाइम जूस सर्व कर दिया गया। मतलब है कि आपका ताल्लुक सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी से है, तो इमरान ने लाइम जूस का गिलास उठाते हुए बड़े सादा से लहजे में कहा। जी हाँ, आमतौर पर, मार्गेन ने जूस का सिप भरते हुए कहा। क्या ये टास्क सिंडिकेट सरकारी हैसियत रखता है, इमरान ने कहा तो मार्गेन बेख्तियार चौंक पड़ी। ओह नहीं, वो तो आम सिंडिकेट है, जैसे आम सिंडिकेट होते हैं, मार्गेन ने कदरे बुखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। इसे शायद एहसास हो गया था कि इमरान ने इसे बातों में चक्कर देकर ये उगलवा लिया है कि इसका ताल्लुक चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला से है। इसे जाहिर है कि वो जिस भी तंजीम से मुतालिक है वो भी सरकारी हो सकती है। मिस मार्गेन, आपका बेहद शुक्रिया, क्या आपने खुद ही आकर मामलात वाजे करने की तकलीफ की। असल में पाकिस्तान में एक खातून ने जिसका कदोकामत आपसे मिलता है, इंतहाई हैरत अंगेज़ अंदाज में पाकिस्तान के एक साइंसदान
डॉक्टर राशिदी से एक फॉर्मूला हासिल किया है जो इनके जहन में था, तहरीर कराकर इसे हलाक भी कर दिया और फिर वो तैयारा चार्टर्ड कराकर काफ्रिस्तान चली गई। कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं जिसे मालूम हुआ कि इसका नाम मार्ग्रेन है और इसका ताल्लुक ग्रेट लैंड से है। इसके अलावा और भी ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये बात कन्फर्म हो गई और फिर मैंने इसे यहाँ भी कन्फर्म कर लिया, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। कैसे शवाहिद? मार्ग्रेन ने चौंक कर पूछा तो इमरान बेख्तियार मुस्करा दिया। जिस लड़की ने ये वारदात की है इसका नाम मार्ग्रेट था और मार्ग्रेट नाम ग्रेटलैंड में आम रखा जाता है। डॉक्टर राशिदी की लाश से जो गोलियां निकली हैं, लेबॉरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक ये गोलियां ग्रेटलैंड की साख्ता हैं। इसके अलावा वहां से स्टार्क नामी दवा का एक पत्ता मिला है जिसमें दो कैप्सूल कम थे। ये दवा भी ग्रेटलैंड साख्ता थी। फिर इस दवा का जो इस्तेमाल सामने आया इससे मालूम हुआ कि इससे जहन को सुलाया जाता है। इस तरह ये बात भी सामने आ गई कि मार्ग्रेट हिप्नोटिज्म में माहिर है। इससे पहले डॉक्टर राशिदी को दो कैप्सूल खिलाए ताकि इसका ताकतवर जहन सरेंडर हो जाए। फिर इसे ट्रांस में लाकर इससे फॉर्मूला तहरीर कराया और फिर इसे हलाक करके चली गई। ये भी मालूम हुआ कि वो लड़की वहाँ से मेकअप तब्दील करके निकली। इसके पास नए मेकअप के मुताबिक कागजात भी थे। वो पिछली रात एक होटल में पहुंची और फिर इसने दूसरे रोज़ तैयारा चार्टर्ड कराया और काफ्रिस्तान चली गई। इस तरह तैयारा चार्टर्ड कराने और काफ्रिस्तान जाने से साबित हुआ कि इस लड़की का ताल्लुक यकीनन किसी एजेंसी से था और वो पूरी तरबियत याफ्ता भी थी, वरना वो आम परवाज से सीधी ग्रेटलैंड पहुंच जाती। इन शवाहिद के बाद मैंने यहाँ एक ऐसे आदमी से रابطہ कायम किया जो हिप्नोटिज्म और ऐसे फ़नून का ना सिर्फ माहिर है बल्कि इसके ताल्लुकात भी ऐसे लोगों से हैं या वो बहरहाल इनके बारे में जानता ज़रूर है। इससे पता चला कि यहाँ एक लड़की ऐसी मौजूद है जो हिप्नोटिज्म में माहिर है। इसका पता और फ़ोन नंबर भी मालूम हो गया। फिर मैंने यहाँ जॉर्ज से रابطہ कायम किया और जॉर्ज ने मुझे ये भी बता दिया कि मार्ग्रेन का ताल्लुक टास्क सिंडिकेट से है, इसलिए हम यहाँ आ गए ताकि इस मार्ग्रेन से मुलाकात की जा सके, इमरान ने कहा। लेकिन मार्ग्रेन तो मैं हूँ और मेरा ताल्लुक भी टास्क से है, लेकिन ना मैं हिप्नोटिस्ट हूँ और ना ही मैं पाकिशिया गई हूँ, मार्ग्रेन ने कहा। हाँ, मैंने आपकी आंखों को चेक कर लिया है, आप हिप्नोटिस्ट नहीं हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो सारी कहानी गलत हो गई, इमरान ने जवाब दिया तो मार्ग्रेन के चेहरे पर कदे इत्मीनान के तासुरात उभर आए और इमरान बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। तो अब आप क्या करेंगे? मार्ग्रेन ने पूछा। सैर व तफरी करेंगे, इस लड़की की बारे में इंक्वायरी करेंगे क्योंकि ये बात तो बहरहाल तय है कि इसका ताल्लुक ग्रेटलैंड से ही है। अगर वो लड़की मिल गई तो इससे हम सिर्फ इतनी बात पूछेंगे कि इसे फॉर्मूला किसके हवाले किया था, इमरान ने कहा। ठीक है, इस सिलसिले में अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, मार्ग्रेन ने कहा। नहीं, आपका शुक्रिया, मुझे अफसोस है कि मैंने गलत फहमी में आप पर शक किया और आपको यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी, इमरान ने कहा। ओह नहीं, अच्छा हुआ कि मामलात क्लियर हो गए। मेरा फ़ोन नंबर आपको मालूम है, वैसे होटल स्टारवुड में भी आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, अब मुझे इजाज़त दें, मार्ग्रेन ने उठते हुए कहा। तो इमरान एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और इसके साथ ही इसके साथी भी उठ खड़े हुए और चंद लम्हों बाद मार्ग्रेन कमरे से बाहर चली गई। इमरान साहब, क्या ये वाकई वो लड़की नहीं थी? सफदर ने कहा। कदोकामत के लिहाज से तो वही थी, लेकिन मैंने चेक कर लिया, ये बहरहाल हिप्नोटिस्ट नहीं है और डॉक्टर राशिदी को हलाक करने वाली लड़की का हिप्नोटिस्ट होना ज़रूरी है, वरना वो इस अंदाज में वारदात कर ही ना सकती थी, इमरान ने कहा। तो फिर अब क्या होगा? जूलिया ने कहा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। मास्टर क्लब, रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ मास्टर से बात करो, मैं प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो प्रिंस, मैं मास्टर निक्सन बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मास्टर, तुमने मुझे मार्ग्रेन के बारे में बताया था, इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया था, क्या तुम्हें याद है? इमरान ने कहा। हाँ, क्यों, क्या हुआ है? मास्टर ने चौंक कर कहा। मैं इस लड़की से मिला हूँ, वो लड़की तो हिप्नोटिस्ट नहीं है जबकि तुम्हारे बकौल वो हिप्नोटिस्ट थी, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से मास्टर बेख्तियार हंस पड़ा। प्रिंस, मैं तो समझता था कि आप हिप्नोटिज्म में जदीद तरीन मालूम रखते होंगे, लेकिन आपने ये बात करके साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है, मास्टर ने कहा। मैंने कभी ऐसा दावा नहीं किया और ना ही कोई इंसान ऐसा दावा कर सकता है। क्यों, क्या हुआ है? इमरान ने कहा। प्रिंस, इन दिनों ऐसी अदवियात आ रही हैं जिन्हें आंखों में डालने से वो खसूसी साख के आसार ख़त्म हो जाते हैं और इन दिनों तमाम हिप्नोटिस्ट ऐसी अदवियात मुसलसल तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं, वरना इन्हें लाजमन हर जगह गोगल लगाना पड़ती है, मास्टर ने कहा। ओह अच्छा, ऐसी कौन सी अदवियात हैं?
इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तो दूसरी तरफ से अदुयात का नाम बता दिया गया। ओके, बेहद शुक्रिया, तुमने मेरी मालूमात में वाकई इजाफा किया है, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, आज पहली बार आप जदीद मालूमात में किसी से पीछे रह गए हैं, वरना आज तक हमेशा आप ही जदीद मालूमात से आगा नजर आते थे, सफदर ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, इंसान हर मामले में हर वक्त जदीद मालूमात से आगा नहीं रह सकता। वैसे भी टेक्नोलॉजी इस कदर तेजी से जदीद होती जा रही है कि पहले जो काम सदियों में होते थे अब सालों बल्कि महीनों में होने शुरू हो गए हैं, इमरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि ये लड़की असल थी और वो सिर्फ हमें रास्ते से भटकाने के लिए यहाँ पर आई थी, जूलिया ने कहा। अगर मास्टर की बात दुरुस्त है तो फिर वाकई ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि माइग्रेन काफ़ी गहरी लड़की है, इसे किसी और अंदाज में डील करना होगा, इमरान ने कहा। तुम मुझे कहो, मैं इस गहरी लड़की को सतह पर लाना चाहती हूँ, जूलिया ने फुंकारते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, असल मसला यह है कि हमने वो फार्मूला वापस लेना है और इस माइग्रेन ने जाहिर है कि वो फार्मूला अपने पास नहीं रखा होगा, किसी ना किसी को पहुँचाया होगा। अब इसके बकौल वो तो इस ग्रुप की चीफ है, तो इसने ये फार्मूला इसे पहुँचाया होगा जिसने इसे ये काम दिया होगा, और वो आदमी सिंडिकेट का चीफ टास्क खुद भी हो सकता है, इसलिए हमें इस टास्क को पहले घेरना होगा, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करना शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, दूसरी तरफ से रابطہ कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रेमबो क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। चूंकि फोन डायरेक्ट करने वाला बटन पहले से प्रेस था, इसलिए इसने इसे दोबारा प्रेस ना किया। रेमबो क्लब, रابطہ कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा बेहद कड़क था। मादाम बटरफ्लाई से बात कराओ, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ पाकिस्तान से, इमरान ने कहा। पाकिस्तान से? ओह अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मादाम बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद एक भारी सी लेकिन नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? क्या बटरफ्लाई अब इस कदर वजनी हो गई है कि उड़ भी नहीं सकती, इसलिए इसे किसी ने कमरे में बंद कर रखा है, इमरान ने कहा। ओह ओह, तुम हो नॉटी बॉय, बड़े तवील अरसे बात फ़ोन किया है, दूसरी तरफ से यकलक चौंक कर और बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। अब जल्द अज जल्द फ़ोन किया करूँगा, क्योंकि बटरफ्लाई अब उड़ नहीं सकती, इसलिए अब इससे बात हो जाया करेगी, वरना जब भी फ़ोन करने का सोचता था ये सोचकर खामोश हो जाता था कि न जाने बटरफ्लाई इस वक्त किस बाग में मौजूद हो, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से बोलने वाली भी इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं वाकई पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। बहरहाल बोलो, कैसे फ़ोन किया है, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। टास्क सिंडिकेट के बारे में मालूम हासिल करनी थी, इमरान ने कहा। ओह ओह, क्या हुआ? टास्क सिंडिकेट वालों से आखिर क्या गलती हो गई है कि तुम इनके बारे में मालूम हासिल कर रहे हो? वो तो बस मकामी बदमाश और गुंडे हैं, मादाम ने हैरत भरी लहजे में कहा। मुझे मालूम हुआ है कि सिंडिकेट ने एक अलहदा ग्रुप बनाया हुआ है किसी सरकारी एजेंसी के अंदाज में, और एक लड़की माइग्रेन इसकी चीफ है, लेकिन इसे डमी के तौर पर किसी को चीफ बनाया हुआ है। इस सिलसिले में मैं टास्क से मिलना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल किया है कि तुम बहरहाल इस टास्क के बारे में तफसील जानती होगी, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो, क्या ग्रेटलैंड से? दूसरी तरफ से मादाम ने पूछा। हाँ, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। माइग्रेन से क्या तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है, मादाम ने कहा। हाँ, वो खुद हमसे यहाँ मिलने होटल आई थी, इमरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि माइग्रेन के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो दुरुस्त है, कि वो मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाने की माहिर है, क्योंकि इसने तुम जैसे मर्द को भी चक्कर दे दिया है, मादाम ने हंसते हुए कहा। ये काम सिर्फ माइग्रेन से ही तो मखसूस नहीं है, सारी औरतें इस काम में माहिर हैं। तुमने खुद अंकल रिचर्ड को ऐसा चक्कर दे रखा है कि बड़ी बड़ी मूछें रखने के बावजूद तुमसे इस तरह डरता है जैसे कामचोर काम से डरता है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से मादाम बटरफ्लाई बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ी। कहीं रिचर्ड के सामने ये बात ना कर देना, वरना इसकी मूछें वाकई फड़कना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल मैं तुम्हें बता दूं कि माइग्रेन ने तुम्हें चक्कर दिया है। माइग्रेन का ताल्लुक टास्क सिंडिकेट से नहीं बल्कि टास्क एजेंसी से है, मादाम ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। टास्क एजेंसी? वो कौन सी एजेंसी है, मैं तो पहले ये नाम नहीं सुना, इमरान ने कहा। 4-5 साल कबल ये एजेंसी कायम हुई है और इसे टास्क कहा जाता है, और बज़ाहिर इसे टास्क सिंडिकेट के अंडर जाहिर किया जाता है ताकि ये खुफिया रहे और मुतासरीन ने टास्क से लड़ते भरते रहें। बहरहाल ये सरकारी एजेंसी है, लेकिन इसका ताल्लुक डिफेंस सेक्रेटरी से है, चीफ सेक्रेटरी से नहीं, मादाम बटरफ्लाई ने कहा। तो इमरान बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ओह,
गुड शो, तुम वाकई बटरफ्लाई हो, कोई बाग तुमसे महफूज नहीं रह सकता। इमरान ने कहा तो मादाम एक बार फिर बेइख्तियार हंस पड़ी। इस तारीफ का शुक्रिया, अब मजीद भी बता दूं कि तुम पर पूरी तरह साबित हो जाएगा कि मैं अभी बटरफ्लाई ही हूँ। माइग्रेन हिप्नोटिज्म और ऐसे ही दूसरे अलूम में महारत रखती है। मुझे जो इत्तला मिली है इसके मुताबिक टास्क एजेंसी का चीफ रॉजर था, जो पहले ग्रेट लैंड की सीक्रेट सर्विस से मुतालिक था। इसे किसी बात पर माइग्रेन की बात ना मानी तो माइग्रेन ने इसे फ़ोन पर खुदकुशी करने का हुक्म दिया। और हैरत अंगेज़ बात है कि रॉजर जैसे आदमी ने अपने ऑफिस में ही खुदकुशी कर ली। इसके बाद माइग्रेन ने डिफेंस सेक्रेटरी को हुक्म देकर अपने एक दोस्त बेकर को टास्क का चीफ बना दिया। लेकिन बेकर बिल्कुल ही निकम्मा आदमी है, इसलिए वो डमी चीफ है। असल चीफ यही माइग्रेन है, मादाम ने कहा तो इमरान और इसके साथियों के चेहरों पर हैरत के तासरात उभर आए। ओ अच्छा, ये कब की बात है? इमरान ने कहा। एक दो रोज पहले की, मादाम ने जवाब दिया। वेरी गुड, तुमने तो सारा मसला ही हल कर दिया। अब कितनी आइसक्रीम भिजवाऊं, दो टन या चार टन? इमरान ने कहा तो मादाम बटरफ्लाई एक बार फिर कहकहा मारकर हंस पड़ी। तुम्हारी बातें मेरे लिए काफी हैं, शुक्रिया, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। हैरत अंगेज शख्सियत साबित हो रही है ये आम सी लड़की, माइग्रेन सफदर ने कहा। इमरान साहब, ये कौन सा इल्म है कि किसी को फोन पर हुक्म दिया जाए और वो खुदकुशी कर ले या हुक्म की तामील कर दे? इस तरह तो माइग्रेन किसी को भी फोन पर हुक्म दे सकती है, ये कैसे मुमकिन है? खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। ऐसा सिर्फ इस वक्त मुमकिन हो सकता है जब वो आदमी जिसे हुक्म दिया जाए पहले से ट्रांस में हो, इसके लाशऊर को कोई लफ्ज़ बतौर कोड दिया गया हो और फिर जैसे ही वो लफ्ज़ फोन पर बोला जाए तो वो खुद ब खुद ट्रांस में आ जाएगा और हुक्म की तामील करेगा, इमरान ने कहा। आपका मतलब है कि जब तक वो लफ्ज़ ना बोला जाए वो आदमी ट्रांस में नहीं आएगा और आम और नॉर्मल आदमी रहेगा, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ यकीनन, माइग्रेन ने पहले से इस रॉजर और डिफेंस सेक्रेटरी को ट्रांस में लाकर इन्हें कोड्स बता दिए होंगे, इमरान ने कहा। और इस बार कैप्टन शकील ने इस्बात में सर हिला दिया। तो अब क्या करना है? जूलिया ने कहा। अब मजीद बात वाजे हो गई है कि फॉर्मूला पहले रॉजर तक पहुँचा। रॉजर ने यकीनन इसे डिफेंस सेक्रेटरी तक पहुँचाया होगा और डिफेंस सेक्रेटरी ने आगे किसी लेबॉरेटरी में इसे भिजवाया होगा। रॉजर तो हलाक हो गया, इसलिए अब डिफेंस सेक्रेटरी से मालूमात हासिल करना होगी, इमरान ने कहा। अगर माइग्रेन ने इस रॉजर को इसलिए हलाक किया है कि हम इस तक पहुंचकर फॉर्मूले के बारे में मालूमात हासिल ना कर लें, तो फिर इसने लाजमन डिफेंस सेक्रेटरी को भी कवर कर रखा होगा, सफदर ने कहा। नहीं, रॉजर किसी और सिलसिले में मारा गया होगा, क्योंकि ये बात तो नॉर्मल है कि रॉजर चूंकि डिफेंस सेक्रेटरी के तहत है इसलिए वो फॉर्मूला इसे ही भेजेगा। अगर दरमियान से आदमी हटाना मकसूद होता तो ये आदमी डिफेंस सेक्रेटरी हो सकता था, इमरान ने कहा। तो सब ने इस्बात में सर हिला दिया। मेरा तो ख्याल है कि सब करता धरता यही माइग्रेन है, इसे क्यों ना कवर किया जाए, वैसे भी वो पाकिस्तानी साइंसदान की कातिला भी है, जूलिया ने कहा। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी लड़कियाँ इस कदर गहरी नहीं होती जिस कदर ये अपने आप को पोस्ट करती हैं। हाँ, अगर डिफेंस सेक्रेटरी से मालूमात ना मिल सकी तो फिर इस माइग्रेन को चेक किया जा सकता है। फिलहाल तो चूंकि वो मुतमईन हो गई है कि हमने इस पर शक ड्रॉप कर दिया है, इसलिए इसे मुतमईन रहने दो, इमरान ने कहा। लेकिन वो हमारी निगरानी जरूर कराएगी और जैसे ही हमने डिफेंस सेक्रेटरी पर रेड किया वो खुलकर सामने आ जाएगी, सफदर ने कहा। ये ग्रेट लैंड है, यहाँ ये काम दौलत और ताल्लुकात से आसानी से हो सकता है, इसलिए हमें डिफेंस सेक्रेटरी पर रेड करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस सेक्रेटरी जैसा अहदेदार खुद तो फाइल उठाकर किसी को देने नहीं गया होगा, इसलिए इसके ऑफिस से मालूमात मिल सकती हैं, इमरान ने कहा। और इसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और मादाम बटरफ्लाई के नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। क्या हुआ इमरान, इतनी जल्दी दोबारा क्यों कॉल की है? रब्ता होने पर मादाम बटरफ्लाई ने कहा। मैंने सोचा कि जब मुफ्त का काम हो रहा है तो क्यों ना दूसरा काम भी मुफ्त करा लिया जाए, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से मादाम बटरफ्लाई बेइख्तियार हंस पड़ी। अब वाकई आइसक्रीम देनी पड़ेगी तुम्हें, मादाम ने कहा। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी साहब को माइग्रेन का पाकिस्तान से हासिल करदा फॉर्मूला रॉजर के जरिए पहुंचाया गया है, मालूम ये करना है कि ये फॉर्मूला आगे कहाँ भिजवाया गया है, इमरान ने कहा। ओह, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफिस में मेरा कोई आदमी नहीं है, अलबत्ता मैं तुम्हें एक टिप दे सकती हूँ, रॉस्टर के आदमी डिफेंस में काम करते रहते हैं, मादाम ने कहा। रॉस्टर कौन? इमरान ने कहा। एक नई पार्टी है लेकिन काफ़ी तेज़ी से उभरी है, सॉफ्ट क्लब का मालिक है, मैं इसे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बता देती हूँ, मुआवजा वो अपनी मर्जी का लेगा लेकिन मालूम हतमी देगा, मादाम ने कहा। ठीक है, इसका फ़ोन नंबर भी बता दो और इसे मेरे बारे में भी बता दो और मुआवजे की गारंटी भी दे दो, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तुम 10 मिनट बाद इस नंबर पर इससे बात कर लेना, मुझे यकीन है कि तुम्हारा काम हो जाएगा,
मदाम ने कहा और रब्ता ख़त्म हो गया, तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ इस कमरे में बैठे बैठे फ़ोन पर ही फार्मूला वापस हासिल कर लेंगे, सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। काश ऐसा हो जाता तो मैं कम अज़ कम तनवीर के हिस्से की तनख्वाह चीफ से क्लेम कर लेता, इमरान ने कहा तो तनवीर चौंक पड़ा। ये बात तुमने किस पैराए में की है? तनवीर के लहजे में हैरत थी। मिशन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए और इस दौरान तुमने मुँह से एक लफ्ज़ भी ना निकाला हो तो तुम तनख्वाह के हकदार नहीं बन सकते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें बकवास करने की आदत है और मैं इस बकवास का क्या जवाब दूँ, इसलिए खामोश रहता हूँ, तनवीर ने मुँह बनाते हुए कहा। यानी जवाब जाहिला खामोशी बाशुद, इमरान ने कहा। हाँ यही समझ लो, तनवीर बोला। हालांकि मेरा तो ख्याल था कि सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता हैं, ये सब जाहिल कैसे बन गए? इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था। इसे जाहिलों का इशारा दूसरे साथियों की तरफ मोड़ दिया था। फिर वही बकवास, काश तुम्हारी जबान तुम्हारे इख्तियार में होती, तनवीर ने कहा तो सब इसकी बात पर बेइख्तियार हंस पड़े। और फिर इधर उधर की बातों के बाद इमरान ने रोस्टर को फ़ोन किया। रोस्टर बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, आपको मादाम बटरफ्लाई ने मेरे बारे में फ़ोन किया होगा, इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन इमरान साहब आपका काम नहीं हो सकता, मैंने मादाम को भी बता दिया था, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान चौंक पड़ा। क्यों, क्या कोई ख़ास वजह है? जबकि हम आपको मुँह मांगा मुआवजा भी देने को तैयार हैं, इमरान ने कहा। मुआवजा मुझे बुरा नहीं लगता इमरान साहब, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ डिफेंस सेक्रेटरीट में साइंसी फार्मूले के सिलसिले में एक अजीब निज़ाम कायम है। साइंसदानों की कोई खुफिया कमेटी है जिसके इंचार्ज को डॉक्टर एफ कहा जाता है, इसका फ़ोन नंबर भी एक्स चेन में नहीं है। डिफेंस सेक्रेटरी साहब किसी फार्मूले को बैंक में लॉकर में रखवा देते हैं और इस डॉक्टर एफ को इत्तला दे दी जाती है, फिर ये फार्मूला पुरसरार अंदाज में बैंक लॉकर से गायब हो जाता है। आपके फार्मूले के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने बेहद कोशिश की कि किसी तरह इस डॉक्टर एफ का खोज निकाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए मजबूरी है, रोस्टर ने जवाब दिया। इसका फ़ोन नंबर तो मालूम हो गया होगा, इमरान ने कहा। जी हाँ, वो मैं बता देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और साथ ही एक फ़ोन नंबर बता दिया गया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा। इसके साथ ही इसने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज, रब्ता कायम होते ही एक नौसवानी आवाज़ सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी साहब का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। यस पीए टू डिफेंस सेक्रेटरी, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मार्गरेन बोल रही हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात कराओ, इमरान ने मार्गरेन की आवाज़ और लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंदलामाबाद, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मार्गरेन बोल रही हूँ, इमरान ने कहा। हाँ क्यों कॉल की है, कोई ख़ास बात? दूसरी तरफ से कहा गया। जो फार्मूला पाकिस्तान से हासिल किया गया था, इसे हासिल करने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ग्रेट लैंड पहुँच चुकी है और हो सकता है कि वो लोग आप तक भी पहुँच जाएँ, इमरान ने मार्गरेन के लहजे में बात करते हुए कहा। लेकिन मुझसे वो क्या मालूम कर सकते हैं? मैं तो फार्मूला बैंक लॉकर में रखवा दिया था और डॉक्टर एफ़ को इत्तला दे दी थी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि डॉक्टर एफ़ कौन है और वो फार्मूला कहाँ है, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन वो ये बात तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप मोहतात रहें, इमरान ने कहा। ठीक है, तुमने अच्छा किया कि मुझे इत्तला दे दी, अब मैं मोहतात रहूँगा। बल्कि मैंने एक गैर मुल्की दौरे पर जाना था जिसे मैं चंद वजूहात की बिना पर मुलतवी कर रहा था, लेकिन अब मैं इसे मुलतवी नहीं करता, दूसरी तरफ से कहा गया। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने एक बार फिर क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, रब्ता कायम होते ही एक सर्द सी आवाज़ सुनाई दी। डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, डॉक्टर एफ से बात कराओ, इमरान ने मुंह से डिफेंस सेक्रेटरी की आवाज़ निकाली। यस सर, मैं डॉक्टर एफ बोल रहा हूँ। दूसरे लम्हे एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर एफ, जो फार्मूला पाक एशिया से हासिल किया गया था, इसकी क्या पोजीशन है? इमरान ने कहा। पोजीशन? कैसी पोजीशन? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। डॉक्टर एफ, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस दुनिया की खतरनाक तरीन सर्विस समझी जाती है और इस वक्त इस फार्मूले के पीछे यहाँ ग्रेट लैंड पहुँच चुकी है, इसलिए मैं आपसे पोजीशन पूछ रहा था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसे उड़ाकर ना ले जाए, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। मुझे इसकी पोजीशन का क्या इल्म हो सकता है जनाब? आपको तो मालूम है कि मैंने सिर्फ जजीरा हवाई में स्पेशल एजेंट निक को इत्तला देनी थी ताकि फार्मूला मखसूस लेबॉर्टरी तक पहुंच जाए। इसके बाद मेरा काम तो ख़त्म हो गया और आप इसके लिए बेफिक्र रहें कि असूल और कानून के मुताबिक स्पेशल एजेंट निक को भी इस मखसूस लेबॉर्टरी तक पहुँचने के बाद हलाक कर दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कुछ भी कर ले, वो इस फॉर्मूले तक नहीं पहुंच सकती।
डॉक्टर एफ ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इसकी रिपोर्ट आपके पास आई होगी। इमरान ने कहा, कमेटी को ऐसी रिपोर्ट इस वक्त आती है जब फॉर्मूले में कोई उलझन हो या वो किसी लिहाज से नामुकम्मल हो, वरना इससे पहले हमें खुद मालूम नहीं होता कि वो कहाँ और किस पोजीशन में है। और आप जानते हैं कि ऐसे साइंसी फॉर्मूलों पर काम सालों में जाकर मुकम्मल होता है। डॉक्टर एफ ने जवाब दिया, आप अगर चाहें तो इस सिलसिले में रिपोर्ट ले तो सकते होंगे। इमरान ने कहा, आपको खुद मालूम है जनाब कि ऐसा हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है, फिर आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर एफ ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा, इस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की वजह से मुझे बेहद उलझन हो रही है। इमरान ने कहा, सर आप बेफिक्र रहें, फॉर्मूला तो अभी ने किसी सूरत भी वापस नहीं मिल सकता। जब किसी को मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है तो वो कैसे वापस हासिल करेंगे? डॉक्टर एफ ने जवाब दिया। ओके थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये तो बड़ा अजीब सा गोरख धंधा बन गया है कि फॉर्मूला ही दस्तयाब नहीं हो रहा। हैरत है कि इस कदर पेचीदा निज़ाम बनाया गया है। इमरान ने रिसीवर रखकर हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हम यहाँ किसी भी साइंसी लेबॉर्ट्री के चीफ को पकड़कर इससे मालूम हासिल करें। इस लेबॉर्ट्री में भी तो आखिर फॉर्मूले पहुँचते होंगे, इन्हें मालूम होगा कि ये सब क्या है, या कम अज़ कम वो किसी लेबॉर्ट्री की निशानदेही तो कर देगा। कैप्टन शकील ने कहा, नहीं, यहाँ इस तरह एक एक लेबॉर्ट्री को चेक करना नामुमकिन है। ग्रेट लैंड सुपर पावर्स में से शुमार होता है और साइंसी तौर पर भी खासा एडवांस है, इसलिए यहाँ छोटी बड़ी कई लेबॉर्ट्रियाँ होंगी। हमें इस लेबॉर्ट्री का हतमी तौर पर मालूम होना चाहिए जहाँ ये फॉर्मूला पहुँचाया गया है। इमरान ने कहा, यह स्पेशल एजेंट वाला क्या मसला है कि इस स्पेशल एजेंट को असूल के मुताबिक हलाक कर दिया गया है? ये कैसा असूल है कि हर बार नया स्पेशल एजेंट सामने लाया जाए? इस बार खामोश बैठी हुई सोलेहा ने कहा, ओ हाँ, ये पॉइंट खासा गौर तलब है। जजीरा हवाई तो यहाँ से बहुत दूर है, मेरा ख्याल है कि जजीरा हवाई भी कोड है और स्पेशल एजेंट भी कोड है, और वाकई ये कैसे मुमकिन है कि हर फॉर्मूले पर एक मखसूस आदमी को हलाक कर दिया जाए? इमरान ने कहा तो इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि इस फसाद की जड़ को पकड़ा जाए, वहीं से कोई ना कोई क्ल्यू मिल सकता है। सफदर ने कहा तो इमरान और बाकी साथी भी बेख्तियार और चौंक पड़े। तुम्हारा मतलब माइग्रेन से है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सफदर ने जवाब दिया। ओके ठीक है, तो फिर ये काम जूलिया और सोलेहा के जिम्मे लगाया जाए, वरना ऐसा ना हो कि इसकी शोहरत के मुताबिक हम इसके इशारों पर नाचना शुरू कर दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये काम हम खुद कर लेंगी। जूलिया ने कहा, बस निगरानी का ख्याल रखना। इमरान ने कहा तो जूलिया और सोलेहा दोनों बेख्तियार उठ खड़ी हुई। और हम क्या करेंगे? सफदर ने कहा। इंतज़ार और आखिर में सवाल कि हम क्या करेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, कैसा सवाल? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, दो खवातीन आपस में लड़ रही थीं कि एक साहब वहाँ से गुजरे और दोनों की लड़ाई देखकर खड़े हो गए। दोनों खवातीन ने एक दूसरे को ताने देना शुरू कर दिए कि खुदा करे इसकी शादी इन साहब से हो जाए। जब लड़ाई ख़त्म होने लगी तो इन साहब ने पूछा कि मुझे तो बताओ कि मैं यहाँ रहकर इंतज़ार करूँ या चला जाऊँ। इमरान ने कहा तो सफदर और बाकी साथी बेख्तियार हंस पड़े, जबकि जूलिया और सोलेहा पहले ही कमरे से जा चुकी थीं। आपका मतलब है कि इस लड़ाई का नतीजा देख लिया जाए, फिर ठहरने या आगे बढ़ने का फैसला किया जाए? सफदर ने कहा। जाहिर है, मर्द बेचारे और क्या कर सकते हैं, इमरान ने मसमसे से लहजे में कहा, तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।